नमस्ते, स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, हम आलू का उपयोग रोज करते हैं, इसलिए ये सबका पसंदीदार है। आलू से हम भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, आलू प्याज, हुड़ी, आलू पल्ला या आलू के चिप्स, जो बच्चों के बहुत फेवरेट है। आज की स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं पूरी और आलू की सब्जी। आलू गड्ढे सागू और पूरी के लिए जो सामग्री चाहिए वो है गेहूं का आटा, घी, नमक, आलू, टमाटर, प्याज, हल्दी, शक्कर, बेसन, हींग, जीरा, राई दाने, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, धनिया पत्ते और काजू। सबसे पहले मैं पूरी का आटा गूंद लूंगी। एक बोल में मैं लूंगी गेहूं का आटा, थोड़ा घी, नमक स्वादानुसार, पूरी के लिए आटा तैयार करेंगे। यह आटा बहुत ही नरम, रोटी जैसा नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। अब मैंने पूरी के लिए आटा गूंद लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए बाजू पर रखूंगी और प्लेट से कवर कर लूंगी। अब उबले हुए आलू को लेकर उसे क्रश करेंगे। आलू अब क्रश हो चुके हैं। एक पैन लूंगी, इसमें डालूंगी थोड़ा घी। अगर आपको चाहिए तो आप तेल भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, डालूंगी राई के दाने, जीरा। राई के दाने अब तड़ तड़ रहे हैं। डालूंगी चना दाल, उड़द दाल, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, थोड़ी हींग, हल्दी। क्योंकि हम इसमें हल्दी मिला रहे हैं, इसका सुंदर पीला रंग आएगा। सब कुछ अच्छे से भुनेंगे। डालेंगे काजू, भुनेंगे जब तक ये हो ना जाए गोल्डन ब्राउन। अब डालेंगे इसमें प्याज, पकाएंगे जब तक कि कच्ची खुशबू चले जाती है। अब टमाटर डालूंगी इसमें, अच्छे से टमाटर को भून लेंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन, मैं यहाँ पे बेसन डाल रही हूँ ताकि सब्जी थोड़ी सी रसे वाली रहे। अब इसमें डालूंगी थोड़ा पानी, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है ये थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। अब सारी सब्जियां मिलाएंगे। अब इसमें डालूंगी क्रश किए हुए आलू,
थोड़ा नमक, अब ये सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये गाढ़ा हो रहा है, ये ज्यादा रसे वाला या ज्यादा गाढ़ा नहीं रहना चाहिए। अब इसमें डालूंगी थोड़ी शक्कर, अगर आपको पसंद है तो ही शक्कर डालिए, वरना शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ शक्कर डाल रहे हैं क्योंकि सब्जी अगर थोड़ी तीखी हो गई हो तो ये हमारी सब्जी का तीखापन कम कर लेगी, जैसे हम गुड़ मिलाते हैं खट्टे रसम में। अब सब्जी तैयार है, अब थोड़ा सा तेल गरम करूंगी। जब तक कि मैं पूरियां बेलती हूँ तेल गरम हो जाएगा। अब मैं पूरी बेल लूंगी। थोड़ा सा तेल डालिए और फिर बेलिए पूरियों को। कुछ लोग गेहूं का आटा छिड़क कर पूरियों को बेलते हैं, लेकिन अगर आप वो छिड़कते हैं तो सारा आटा तेल में निकलेगा, इसीलिए तेल डालकर पूरियों को बेलना चाहिए। क्योंकि हमने गेहूं के आटे छिड़क कर पूरी बनाई तो उस तेल का उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते। जब तक तेल गर्म होता है मैं 4 से 5 पूरियां बेल लूंगी। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें पूरियों को तल लूंगी। ऐसे दबाकर तेल छिड़किए ताकि अच्छे से फूल जाएं। ऐसे ही बाकी बचे आटे से भी पूरियां तल लेंगे, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। गर्मा गर्म आलू गड्ढे सागू और पूरियां तैयार हैं। ये आलू की सब्जी आप खा सकते हैं पूरी, चपाती या डोसे के साथ भी। आलू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, इसमें है स्टार्च, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स, इसीलिए ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे है। और आलू ज्यादा खाने से हमारी त्वचा और बाल भी अच्छे रहते हैं, ये एक अच्छा फर्स्ट एड भी है। अगर आप आलू स्लाइस को जले हुए पे लगाएंगे तो वो जलन कम करेगा और हील करेगा। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या जॉइंट पेन्स है तो आपको आलू कम खाने चाहिए। इसीलिए आलू बनाते रहिए और परिवार के साथ मजे उठाइए, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए।